आज कतई जहर वाली स्टार्टिंग से देख सकते हो एक गिलिच, बहुत ही बेहतरीन गिलिच है। इसको मैं तो देख ही रहा था पूरा, और इसको देखने के बाद भाई जो मैच में तबाही मचाऊंगा वो देख ही सकते हो। ऐसे गिलिच करके तुम भी मार सकते हो आराम से, खतरनाक खतरनाक बंदे। तो पहले लॉबी में तुम्हें गिलिच करना पड़ेगा कोई अच्छा सा, जिसको देख के मतलब मन को शांति मिल जाए और खुशी हो जाए और मन बहल जाए। जैसे मैंने एक गिलिच किया, मैंने किया नहीं है वैसे, हो गया फालतू से, तो लेकिन देखने में अच्छा लग रहा था। तो फटाफट इसको देख रहे थे पूरा, और कभी प्लेन आ जाता है तो हम बोले ठीक है चलो उतरते हैं, यहीं पे फैक्ट्री है। और सोच रहे थे आइसलैंड जाएं लेकिन दूर पड़ जाता, और ज्यादातर बंदे फैक्ट्री उतर रहे थे, तो फटाफट फास्ट फॉरवर्ड में उतरते हैं। यही नहीं अभी और सुनिए, तो भाई सब यहाँ तो फास्ट फॉरवर्ड में जा ही रहे थे तभी देखते हैं बंदे हमसे पहले पहुँच गए। तो कहते हैं चलो कोई ना, लोग तो नीचे जा रहे हैं, और जैसे भाई ऊपर आते हैं गन सामने, और भाई तुम्हारे हाथ में गन लग गई, तुम्हारे भाई के हाथ में तो रुकने वाला था। है फटाक से नीचे आया, फर्स्ट हेलमेट, दूसरा गन कुछ भी नहीं लिया, और इन लोगों का थोड़ा था भाई यही फायदा होता है देखा, अभी इन लोगों के पास गन नहीं है और फटाफट मार के नॉक करते हैं। अरे तो इस कारण ले लिया भाई, मार देगा क्या? अरे भाई रुक जाओ। नोप। हाँ तो इनको भी घुटनों पे लाते हैं भैया, इस कारण ले लिया। अरे भाई कवर दे रहा है पीछे से, देखो उसको, तुम लोग उसको देखो, तब तक हम थोड़ा पीछे हेल्थ वोल्थ ढूंढ के आते हैं। और ये कौन है घुटनों पे, थोड़ा इसको फिनिश करते हैं। तो गाइस जो घुटने पे रहे उसको फिनिश जल्दी कर लेना चाहिए, और ये मेरा टीममेट नॉक हो गया, तो इसको देखो घुटनों पे करके छोड़ देता है। तो यही गलती होती है, घुटनों पे लाने के बाद पूरा करना सबसे जरूरी होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, वो लोग भी गाली दें कि साला मार दिया। चलो उसके बाद एक टीम नंबर देखो, मेरी मतलब इतनी ज्यादा मैं डर रहा था क्योंकि उन्होंने इस बिखा रखी थी, वैसे भी बुलेट इधर फायर कर देता तो मेरी पेटी बनी तो पक्की थी। तो फटाफट इसकी पेटी में आते हैं, तो भाई साहब ये तो पूरा मेरी कमाई ले घूम रहा है पूरे लॉबी के, तो हेल्थ लगाते हैं। और देखो मेरा टीममेट अभी तक नॉक ही है, और ये बंदा ढूंढ रहा है कि कोई आए उसको भी मारेंगे। तो बेटा रुको हम ही आते हैं, और फटाफट जैसे अंदर जाते हैं भाई साहब, तो भाई इसी के साथ खतरनाक कड़क होता है। और इसको देखते ही भाई मैं तो डर गया था कि अब क्या होगा, लेकिन चलो कोई ना, बंदे को मार दिए और उधर से निकल के आते हैं। इधर तो एक खतरनाक बंदे से हम लोग एकदम घमसान फाइट हो जाती है, देखते रहो और मजे लो भाई। ये बंदा बहुत ही खतरनाक था यार, अगर इसकी टीम होती तो ये हम लोगों की पेटी बनाने में थोड़ी भी देरी नहीं करता, लेकिन इसकी टीम को हमने मार दिया था तो ये अकेले बचा था। तभी देखना देख रहे हो कहाँ कहाँ सिंगल लेके मारता है, मतलब रिवाइव करने नहीं दे रहा है। तो फटाफट कोपचे मारते हैं, चलो भाई कोपचे में चलो बहुत देर मार रहा है बंदा। तो पहले तो भाई रिवाइव देते हैं, और रिवाइव देने के बाद जैसे हम उधर जाते हैं तभी बंदा देखो तो हम तो समझ लिए थे कि अब पेटी बनी पक्की है, क्योंकि बंदा कहते ओपी खेल रहा था, लेकिन मेरे टीममेट भाई मतलब इतना मूव भी नहीं है। तो देखो एक और मैच किया मेरे पास, और कुछ नहीं हो चलो बढ़िया है बच गए, लेकिन भाई अभी एक कर रहा है रश, और हम तो देखेंगे इसको क्या होता है। तो एक बंदा को नॉक कर दिया, चलो बढ़िया है, एक नंबर ने तो भाई हमारे यहाँ पे बेइज्जती होने से बचा ली। तो फटाफट रिवाइव होते हैं, और भाई यहीं तक वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार का गेम प्ले लेकर। तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय बाय गाइस। गजब बेइज्जती है।